दुर्ग कलेक्टर द्वारा मिले निर्देश के बाद दुर्ग नगर निगम की टीम ने जिला अस्पताल परिसर से कब्जा हटाया। शहर में हुए बेजा कब्जे और अतिक्रमण की दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को मिली शिकायत के बाद दुर्ग नगर निगम को मिले निर्देश पर शनिवार को दुर्ग जिला अस्पताल परिसर में हुए अवैध कब्जे को हटाने दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने अपनी कार्रवाई की। इस दौरान निगम की अतिक्रमण टीम ने जिला अस्पताल परिसर के अंदर साई भोजनालय द्वारा आधा अवैध कब्जे में कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित तहसीलदार की टीम मौके पर मौजूद रही। इस संबंध में निगम अधिकारी गिरीश देवांगन ने जानकारी दी। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग में साई भोजनालय संचालित है और जो इनका जो कमेटी होता है हॉस्पिटल में, क्या बोलते हैं, जीवनदीप समिति, उनके द्वारा ये मांग किया गया है कि जो इनके द्वारा जो भोजनालय संचालित है तो कुछ भाग में जो है ना इनका अवैध कब्जा है बताया गया है। तो हॉस्पिटल प्रशासन से ही मांग किया गया है कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार से जो अतिरिक्त निर्माण है जो है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनको 15 दिन पहले समय दिया गया था तो इन्होंने कहा था कि मुझे समय दीजिए करके, लेकिन किसी कारणवश ये हटाया नहीं है। जो भी कारण होगा तो आज हमको कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब के आदेश के पालन में यहाँ पे हटाने की कार्रवाई जारी है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।